Ottriga! Ottriga! मैंने अभी डॉक्टर से बात की और पुलिस के अधीक्षक से भी बात की और उनसे पता चला कि 13 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 3 या 4 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं। 2 लोग म्यांमार से हैं, अधिकतर लोग केरल से हैं, कुछ तमिलनाडु से भी हैं और आंध्रा से भी हैं। साथ ही 10 जो शव हैं उनकी पहचान पूरी हो चुकी है, 3 शवों की पहचान पूरी नहीं हुई है और वो भी जल्द कार्रवाई हो रही है और उसके बारे में पता किया जा रहा है। मैम, होटल की बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि MCD से लेकर दिल्ली सरकार तक के जितने विभाग थे उन्होंने पूरी सही तरीके से काम नहीं किया, जिसके कारण ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और फायर विभाग पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, गलतियाँ तो हुई होंगी और वो तहकीकात का विषय है, लेकिन इस समय मैं सिर्फ अपनी तरफ से परिवारों को सांत्वना देना चाहती हूँ, क्योंकि ये उनके दुख की घड़ी है और कोई भी व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है, जाहिर तौर पे ऐसी दुर्घटना होगी इसकी उम्मीद नहीं करता तो, और इतना नुकसान अपना नहीं करना चाहेगा, लेकिन लापरवाही तो है ही। और अभी जो सूचना मिली है उसके मुताबिक जो एयर कंडीशनर था उसकी शॉर्ट सर्किटिंग से ये हुआ है, तो या तो एयर कंडीशन की क्वालिटी ख़राब थी या बिजली की जो सप्लाई है उसमें ऊपर नीचे कुछ हुआ है और वो मेंटेनेंस का कुछ इशू रहा है जिसकी वजह से आग लगी है। मगर जो भी विषय हैं इन्वेस्टिगेशन के, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए पूरी तरीके से, जो है ऐसी दुर्घटनाएँ ना हो इसका काम होना चाहिए। लेकिन मैम, दिल्ली सरकार सीधे तौर से MCD को जिम्मेदार समझती है? देखिए, मैं आज का दिन नहीं है बेपरवाही से बातें करने का, और जहाँ तक केजरीवाल जी की सरकार है वो तो लोगों को गुमराह करने की उन्होंने सौगंध खा रखी है। वो कभी कहते हैं वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया, आज मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग जिनकी पेंशन सांसद द्वारा लगाई गई है उनको उन्होंने, उनके यहाँ पे लोग भेज कर ये कह रहे हैं कि सांसद ने आपकी जो है पेंशन कट गई है, अब केजरीवाल जी लगवा के भेजेंगे। तो ऐसे व्यक्ति की बात का मैं तो भरोसा नहीं करती और मुझे दुख है कि ऐसे मौके पर भी घटिया राजनीति की जा रही है।